अयोध्या विवाद पर बुधवार को फिर से एक बार सुनवाई होने वाली है। इस मुकदमे की पिछली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रपत्रों का अनुवाद करने का निर्देश दिया था। पक्षकारों का कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट से ही आस है, इस मामले को और टाला नहीं जाना चाहिए, जल्द से जल्द निर्णय सुनाने की आवश्यकता है। पक्षकार इकबाल अंसारी ने बताया कि वह दिल्ली नहीं जा रहे, जब उनकी आवश्यकता होगी तो वो जाएंगे। फिलहाल अपने वकीलों के संपर्क में रहकर और समाचार चैनलों के माध्यम से पूरे मामले पर नजर रखेंगे। सभी पक्षकारों का कहना है कि सुलह समझौते की गुंजाइश अब दूर की बात हो गई है, इसलिए हमारी आस तो अब सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई है। पक्षकारों ने कहा कि फैसला किसी के हक में हो सभी को मान्य होगा। उधर अयोध्या मामले के पक्षकार महंत धर्मदास ने कहा कि राम मंदिर पर अब राजनीति बंद होनी चाहिए, सुलह समझौते के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकान चमकाने पर लगे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी होना है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ही होना है। पक्षकार हाजी महबूब ने कहा कि यदि सुलह समझौते से मामला हल हो जाए तो अच्छा ही है, देश में भाईचारा कायम रहे। कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वो मानेंगे।